अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं नदीम शराब फ्रॉम गैलेक्सी मोबाइल। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे आईटेल का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है जो कि नाम ओसम A70 के नाम से वेरिएंट आया, जो कि 12 GB रैम और 128 GB वाला ये वेरिएंट है। इसमें 4 GB रैम फिजिकल रैम दी गई है और 8 GB रैम इस मॉडल में एक्सटेंडेड रैम दी गई है। तो मोबाइल की आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाएंगे, और ये बहुत ही मुनासिब प्राइस के साथ एक अच्छी डिवाइस मार्केट में लॉन्च हुई है। तो मोबाइल की अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर हमें इसमें 4 तरह के कलर मिल जाएंगे जो कि ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड गोल्ड, 4 तरह के इस मॉडल में कलर आए हैं। तो जिस कलर की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो ब्लू कलर है। तो बाकी हम इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। तो अनबॉक्स करते जो उनसे पहली चीज़ है वो मोबाइल डिवाइस दी गई है। तो मोबाइल को हम कर लेते हैं जी हम अनरैप। मोबाइल के ऊपर वाले रैप की बात करें तो इसमें भी हमें जो था इसमें रैम मेमोरी को मेंशन किया गया और इसमें मैसिव मेमोरी को मेंशन किया गया और इसमें डिस्प्ले को मेंशन किया गया। मोबाइल को कर लेते हैं जी हम ऑन, और मोबाइल के ऑन होने तक मैं चेक करवा देता हूं आपको मोबाइल की एसेसरी। एसेसरी की बात करें तो एसेसरी में सबसे पहले हमें जो सी चीज़ मिलती है वो इसका केस दिया गया जो कि ब्लैक, इसका सिलिकॉन केस देखने को मिल जाएगा जो एक अच्छी क्वालिटी वाला इसमें केस दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें वारंटी कार्ड की, तो वारंटी कार्ड हमें इसमें 12 मंथ का इसमें वारंटी कार्ड दिया गया। अडाप्टर की बात करें तो अडाप्टर में इस मॉडल में जो सा अडाप्टर है वो हमें 2 एम्पीयर का 10 वाट का इसमें साथ में अडाप्टर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके केबल की, तो केबल हमें इस मॉडल में भी टाइप सी पोर्ट के साथ में केबल दी गई है। इसके अलावा बॉक्स में हमें सिम इंजेक्टर देखने को मिल जाएगी। तो मोबाइल की सेटिंग हम कर लेते हैं जी कंप्लीट। तो मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बैक लुक की। तो बैक लुक आप देख सकते हैं कि इसमें बैक लुक जो सी है बहुत सारे मॉडल्स के साथ मिलती जुलती इसकी बैक दी गई है, जो कि इन्फिनिक्स टेक्नो में ये काफी मशहूर हो गया। ये डिजाइन इन्फिनिक्स में भी काफी मॉडल में यही डिजाइन सेम आया, और आईटेल ने भी ओसम A70 में जो सा डिजाइन है वो भी सेम कॉपी किया है। अगर हम बात करें इसमें मेन कैमरा की, तो मेन कैमरा में 13 MP का मेन कैमरा दिया गया है, साथ में हमें LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल की नीचे वाली साइड पे, तो उसमें हमें ओसम A70 को मेंशन किया गया। इसकी बैक की बात करें तो बैक हमें मैट फिनिशिंग वाली इसकी शाइनिंग वाली की बैक दी गई है, जो कि एक अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। अब हम बात कर लेते हैं मोबाइल की साइडों की। साइडों पर हमें राइट साइड पर साइड माउंटेड फिंगर मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई हैं। मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पे हैंड फ्री जैक दिया गया, माइक दिया गया, टाइप सी की हमें चार्जिंग पोर्ट में इस मॉडल में मिल जाएगी, सिंगल इस मॉडल में हमें स्पीकर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें मोबाइल की लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पे हमें सिम ट्रे दी गई है। तो सिम ट्रे की बात करें तो इसे भी ओपन करके चेक कर लेते हैं जी। तो सिम ट्रे की बात करें तो इसमें हमें डुअल सिम डालने के लिए स्लॉट्स दी गई हैं, और SD कार्ड डालने के लिए अलग से इस मॉडल में स्लॉट देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इस मॉडल में 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गया, जो कि एक अच्छा डिस्प्ले इस मॉडल में दिया गया। और फ्रंट मेन्यू की बात करें तो मेन्यू में हमें काफ़ी सारे इसमें ऐप्स जो से ऑलरेडी इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें इसमें कैमराज की, तो कैमरा मेन कैमरा जो सा वो 13 MP का दिया गया। पिक्चर क्लिक करके इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स, पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें पिक्चर क्वालिटी जो सी है आईटेल A70 में जो सी पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी है अच्छी किस्म की पिक्चर क्वालिटी दी गई है। ये 13 MP का इसमें मेन कैमरा है, लेकिन ये 13 MP के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा हमें इस मॉडल में 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया, जो कि एक नॉर्मल किस्म की पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसमें अगर आप कैमरा को ओपन करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि फ़ोटो का ऑप्शन इस मॉडल में मौजूद है, वीडियो का ऑप्शन दिया गया, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मौजूद है, लो लाइट का ऑप्शन मौजूद है, प्रो का ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा आप मोर पे जाएं तो हमें और भी इस मॉडल में ऑप्शन मिल जाएंगे कैमरा सेटिंग के लिए। अब हम बात करें इस मॉडल में एंड्रॉयड वेरियंट की, तो एंड्रॉयड वेरियंट 13 दिया गया। एंड प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इस मॉडल में ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया। चिपसेट की बात करें तो चिपसेट हमें इस मॉडल में यूनिसॉक का T603 जो सा चिपसेट दिया गया। अब हम बात करें इस मॉडल की बैटरी की, तो बैटरी भी इस मॉडल में काफ़ी अच्छी दी गई है, जो कि 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। ये 12 GB रैम और 128 GB वाला ये वेरियंट है। इसमें जो मैं बता चुका हूँ कि इसमें 4 GB रैम जो सी एक्सटेंडेड फिजिकल रैम है, और 8 GB रैम इस मॉडल में एक्सटेंडेड दी गई है। तो इस मॉडल की इनवॉइस की बात करें तो इनवॉइस बहुत ही मुनासिब इनवॉइस रखी गई है, जो कि 22,000 रुपये इस मॉडल की इनवॉइस है, लेकिन ये आपको 20,000 की रेंज में एक 4 GB रैम और 128 GB वाला वेरियंट
मार्केट से मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी लुक के साथ और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लो बजट के साथ ये फैमिली यूज़ के लिए एक अच्छा मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।